हेलो मैन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो में आप लोगों को वेलकम करती हूं। और आज की वीडियो में जो मैं लेके आई हूं वो है फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको जो है वो फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन का इशू हो चुका है तो इसको जो है खत्म करने का क्या तरीका है, इसकी क्या रेमेडी है। मैं आपको सारा बताऊंगी कि इसकी वजह क्या होती है, ये किस वजह से आपके फेस पे आती है। तो आप लोग को बताती चलूं कि इंस्टाग्राम पर मैंने स्टोरी डाली थी कि आप लोग मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। तो उधर जो मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि पिगमेंटेशन हमारे हो रही है, लिप्स के अराउंड हो रही है, चिक्स पे हो रही है, तो आप हमें जो है इसकी कोई रेमेडी बता दें। तो मैंने सोचा कि काफी लोगों को इसकी जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं वीडियो ही क्यों ना बना दूं। तो आज मैं लेके आई हूं वीडियो पिगमेंटेशन को कैसे आप लोग खत्म कर सकते हैं। इजी सी रेमेडी है पर बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा कि पिगमेंटेशन अगर हो गई है तो ये आराम से ही जाएगी। तो आप लोगों ने बड़े ही सब्र और तहम्मुल से जो है इस रेमेडी को यूज करना है और यकीन रखना है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग की जो है ये पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन आराम आराम से ही खत्म होगी और नेचुरल रेमेडीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही वर्क करती है, लेकिन वर्क करती है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग को जो है इससे बहुत फायदा होगा। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताती चलूं कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि पिगमेंटेशन और फ्रैकल्स होने की वजूहत क्या होती है। सबसे पहली जो वजह होती है वो हम लोग सन ब्लॉक का यूज ना करना। हम लोग जब सन ब्लॉक का यूज नहीं करते और ऐसे ही धूप में जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन को जो है वो डैमेज करती है, जिसकी वजह से जो है हमें वो पिगमेंटेशन हो जाती है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि जो हम लोग अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स खाते हैं या इस किस्म की कोई भी दवाई लेते हैं तो उससे भी हमें जो है ये पिगमेंटेशन का इशू हो जाता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम लोग को जो है ये इस किस्म का जो है इशू हो सकता है आपके स्किन पे। अगर आप लोगों में आयरन की कमी जो है वो बहुत कम हो गई है तो उस वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकती है, और अगर आप लोगों में आयरन की कमी ज्यादा हो गई है तो उस वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकती है। फोर्थ जो है, फॉर्मूला क्रीम्स जो होती हैं, यानी कि व्हाइटनिंग क्रीम आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा इन है, जिससे जो है वो 7 दिन में जो है वो कलर तो आप लोगों का फेयर हो जाता है लेकिन उसके जो है वो हमारे स्किन को बहुत ज्यादा पतला कर देती है, जिसकी वजह से हम लोग जब धूप में अगर हम जाते हैं तो हमारी स्किन इतनी बारीक हो चुकी होती है कि हमें धूप की छुआएं जब वो लगती हैं तो उस वजह से हमें जो है वो पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये सब थी वजूहत। अब चलते हैं इसकी रेमेडी की तरफ कि ये हम लोग को कौन सी चीज यूज करने से, कौन सी रेमेडी यूज करने से हमें जो है इसका जो है अफादियत मिलेगी, इसका हल हम लोग इससे निजात ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं रेमेडी। अच्छा जी, रेमेडी में ये सिर्फ 4 चीजें ही हमें चाहिए। हम लोग को चाहिए चावल का आटा। अगर आप लोग घर में चावल का आटा बना रहे हो तो आप लोग को ये 2-3 बार पीसना पड़ेगा। पीसने के बाद आप लोग को छानना है तो आप लोग का आटा जो है वो निकलेगा। अगर आप लोग को मुश्किल लगती है तो बाजार से भी आप लोग को इजीली अवेलेबल हो जाएगा चावल का आटा। फिर हम लोग को चाहिए लेमन, हमें चाहिए हनी और हमें चाहिए आलू। अच्छा जी, तो ये सब चीजें हम लोग को चाहिए। अब इसको जो है हम लोग कद्दूकश करेंगे और इसका रस निकाल लेंगे। अच्छा, कद्दूकश करने से पहले मैं आप लोग को बताते चलूं कि इजी एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप लोग को जल्दी हो और अगर आप लोग के पास मतलब ये रेमेडी रोज रोज ट्राई करने का टाइम नहीं होता तो आप लोग आलू कट करें और उसको जो है छुरी से या कांटे से जो है ऐसे 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 अंदर जो है वो डालें, सुराख करें, ऐसे ऐसे मारें, जिसकी वजह से इसका जो है ये पानी जो है ये ऊपर आ जाएगा। आप इस आलू को जो है अपने फेस पे रब कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रब करें, इससे भी आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, आप लोगों की पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। अब शुरू करते हैं मेन रेमेडी की तरफ। ये तो छोटी सी रेमेडी थी, अगर आप लोग ट्राई करें तो इसका भी बहुत फायदा है। अब चलते हैं मेन रेमेडी की तरफ। हम लोग इसको ऐसे छील के कद्दूकश कर लेंगे। अच्छा जी, ये कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसको जो है इसमें स्ट्रेनर में रख के इसका जूस निकाल लेंगे अच्छे तरीके से।
अच्छा जी, ये हम लोगों ने जो है आलू का रस निकाल लिया है। इसमें हम लोग डालेंगे 1 चम्मच जो है चावल का आटा। आप लोग अपने हिसाब से लिएगा, जितना आप लोग की छाइयाँ हों उस हिसाब से आप लोगों ने चीज़ें मिक्स करनी है। मतलब इतना सा अगर मैंने रस निकाला है तो इसमें 1 चम्मच जाएगा चावल का आटा, 1 चम्मच जाएगा लेमन, 1 चम्मच जाएगा लेमन, 1 चम्मच जाएगा शहद। अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जितना रस था उस हिसाब से मैंने जो है 1 चम्मच, 1-1 चम्मच सारा लिया है, लेमन का जूस 1 चम्मच, चावल का आटा 1 चम्मच और हनी 1 चम्मच। तो आप लोग का जो ये पेस्ट बने ये बिल्कुल ऐसे ही बने, बिल्कुल थिक फॉर्म में ये बिल्कुल भी नहीं हो, बस जैसे ये मैंने ये वाला बनाया है ऐसे ही सेम इसकी जो है वो थिकनेस रखनी है। अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, आप लोगों ने अपने चेहरे को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आप लोगों ने इसको अपने चेहरे पे ऐसे ऐसे किसी भी ब्रश से लगाने, किसी भी चीज़ से आप लोगों ने इसको ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको गीले हाथों से रब करना है अच्छे तरीके से, और फिर आप लोगों ने अपना जो फेस है वो वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोग की पिगमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोग को ये कैसी लगी। ये बहुत ईजी सी रेमेडी है, सिर्फ 4 चीज़ें हम लोगों ने इसमें ली है। चावल का आटा है, आलू है, आलू का रस, लेमन है और हनी है। ये 4 चीज़ें हम लोग को चाहिए। और पहले मैंने जो आप लोग को बताइए कि अगर आप लोग जल्दी में हो, रोज़ ये रेमेडी बनाना मुश्किल लग रही है, तो आप आलू को कट करो, उसके ऊपर जो है कांटे या छुरी से जो है वो मारो ताकि उसका जो है रस बाहर आ जाए, वो आप अपने फेस पे रब कर सकते हैं। उससे बहुत बहुत ज़्यादा जो है आप लोग को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप लोग ये वाली रेमेडी भी रोज़ या एक दिन छोड़ के अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा हद तक आपकी पिगमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो हो गई रेमेडी भी हमारी, ठीक है। और मैंने आप लोग को वो भी बता दी है कि ये किस वजह से हमें पिगमेंटेशन होती है, और रेमेडी भी बता दी। अब एक और मैं आप लोग को बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। अगर आप लोग के फेस में पिगमेंटेशन है तो आप लोग उसको ख़त्म करना चाहते हो तो बाजार से आप लोग को इजीली मिल जाएगा लेमन ऑयल। लेमन ऑयल लेके आप लोगों ने रोज अपने जो है नाफ पे यानी कि बेली बटन में 2 ड्रॉप्स जो है वो लगा लेने हैं, उसके अंदर अच्छे तरीके से जो है स्प्रेड कर देना है, उसको जो है लगा के सो जाना है। इंशाल्लाह आप लोग की जो है पिगमेंटेशन ये सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आई तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी चीज़ पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके फॉलो कर लें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।